टीवी, दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, देखेंगे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको चाहिए होती है एक आरसीए केबल, इस तरह की एक आरसीए केबल होती है जिसके दोनों पोर्ट एक जैसे होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं टीवी के बैक पैनल पे। यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 पोर्ट होते हैं कुल मिला के, तो 3 एक के लिए और 3 एक के लिए। तो फिलहाल हमारे पास ये 2 पोर्ट वाली आरसीए केबल है, इसको हम जो है पीला कलर बनाने वाले हैं, यानी वीडियो का बनाने वाले हैं, और इसे रेड यानी कि ऑडियो का बनाने वाले हैं। तो आपको सिंपली ये करना है, AV1 या AV2 किसी में एक में कनेक्ट करना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर AV1 में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो रेड में रेड एंड येल्लो में वाइट कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्शन हो चुके हैं हमारे, और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसे पैक करना है और चलना है डीवीडी प्लेयर के बैक पैनल पर। तो यहाँ पर ये बहुत सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको सिंपली ये करना, ये जो येल्लो वाली थी ना, यहाँ पर ये जो वीडियो का आउटपुट पोर्ट दिखाई दे रहा है येल्लो वाला, इस पर आपको ऐसे कनेक्ट कर देना है। एंड दोस्तों यहाँ पर साइड में बगल में इसके प्यारा सा आपको यहाँ पर ये रेड कलर वाला ऑडियो का यहाँ पर पोर्ट दिखाई दे रहा है, इस पर आपको कनेक्ट कर देना है। और सपोज करो आपका ऑडियो ना आए चलाने के बाद भी, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कनेक्ट करके देखना रेड वाले में और यहाँ पर, तो तीनों में से किसी न किसी पर ऑडियो आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। फिलहाल हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं और रह गया है तो सिर्फ डीवीडी प्लेयर को सप्लाई बोर्ड से कनेक्शन करने को। तो फटाफट से सप्लाई बोर्ड से इसे कनेक्ट कर देते हैं। देखिए करंट भी आ गया है, बट दोस्तों अभी भी हमारा डीवीडी प्लेयर पूरी तरीके से स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर नो सिग्नल दिखा रहा है, तो इस कंडीशन को कैसे खत्म करेंगे। आपको जाना है होम बटन, आप होम सेलेक्ट करेंगे अपने टीवी में, और आपका टीवी अलग अलग तरीके का हो सकता है, उसमें कुछ और बटन के नाम से दिया होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके टीवी में खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मोड सेलेक्ट करने का बटन होता है हर रिमोट में, तो जिससे आप AV1, AV2 या HDMI पोर्ट सेलेक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए माउस टाइप का बटन बना हुआ है, उसको दबाने से यहाँ पर सारे फंक्शन खुल जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है AV1, AV2। तो हमने जो है इसे AV1 में कनेक्ट किया हुआ है, तो AV1 को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको ओके करता हूँ, और देखिए जादू दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डीवीडी प्लेयर पूरी तरीके से स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं डीवीडी वीडियो लेकर आ रहा है, जैसे ही मैं इसमें कोई भी डीवीडी लगाऊंगा ना, यहाँ पर सारा वीडियो जो है ब्रॉडकास्ट होने लगेगा आपके टेलीविजन पर। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आपको समझ आ गया होगा, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा उस पर।